हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोजमर्रा चीज के बारे में जिसे आप बार 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 सोच के परेशान होते हो। हाँ, आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर। आपको पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट 100 से ऊपर चली गई है और आम आदमी इससे ही परेशान है कि आखिर ये कब तक जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। महंगाई रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए सरकार खुद भी चिंतित है और इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। आपको बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एक ऐसा तेल का काम कर रही है सरकार, ऐसा तेल का निर्माण करने जा रही है जिसकी कीमत 55 से 60 के रुपए के बीच में होगी और बहुत ही जल्दी जिसके आधे रेट में वो तेल आपको मिलेगा। अब वो ऐसा कौन सा तेल है जो सरकार उसको निर्माण के लिए कह रही है? और अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले नितिन गडकरी जी की एक अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, वो भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उस तेल का आज मैं आपको नाम बताऊं, एथेनॉल। सरकार एथेनॉल का फुल प्रयोग करने चाह रही है गाड़ियों में, लेकिन सबसे पहले पॉइंट समझने वाली बात यह है कि अगर एथेनॉल का फुल प्रयोग किया जाए गाड़ियों में तो क्या यही जो इंजन प्रेजेंट टाइम में अभी इस गाड़ियों में लगा हुआ है वो एथेनॉल को सह लेगा? क्या उस एथेनॉल से वो गाड़ियाँ चलेगी? नहीं। इसके लिए नई गाड़ियाँ मार्केट में आएगी और उसके लिए एक नया इंजन तैयार किया जा रहा है और वो इंजन का नाम है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है और एथेनॉल क्या है और कैसे आपको एक कम रेट में मिलेगा और आपको पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई रेटों से आपको निजात मिलेगी। और आपको पता है कि आने वाले टाइम में भी भविष्य में पेट्रोल 100 रुपये, 125, 150 रुपये भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए सरकार पेट्रोल पर आयात घटाना चाह रही है क्योंकि गवर्नमेंट की विदेशी अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 80% तो सिर्फ पेट्रोल लेने में खर्च हो जाता है विदेशों में। सरकार 80% आयात कर रही है पेट्रोल और डीजल का। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है अपने भारत में, क्यों अपना ये पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। तो अभी आज मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है और एथेनॉल क्या और कैसे गाड़ियाँ चलेगी और कैसे आपको 55 से 60 रुपए के रूप में ये तेल मिलेगा। आइए जानते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन ये क्या होता क्या है। यह एक खास तरह से डिजाइन किया गया इंजन है, मतलब एक विशेष तरीके से इस इंजन को बनाया गया है। अब ये देखिए, इसमें दो तरह का ईंधन आप डाल सकेंगे। सबसे पहले प्लस पॉइंट बात मैं बता रहा हूँ, ये जो इंजन है ना, इस इंजन में आप दो तरह का पेट्रोल डाल सकते हो। अगर आप चाहोगे कि नहीं सिर्फ मेरे को पेट्रोल ही डालना है तो आप इसमें पेट्रोल ही डाल पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें मिश्रित ईंधन डालना है, मतलब दोनों एथेनॉल 100% एथेनॉल वाला ईंधन डालना है, तो भी आप एथेनॉल ईंधन डाल सकोगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें पेट्रोल तो आप डाल ही सकोगे, फिर इसमें मिश्रित ईंधन भी डाल सकोगे। अब मिश्रित ईंधन में सिर्फ एथेनॉल भी नहीं होगा, इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट एक चीज़ और मिला रही है, एथेनॉल और गैसोलिन मिला के भी ये तेल तैयार होगा, या फिर मेथेनॉल या फिर गैसोलिन इनको भी मिला के तैयार होगा, या फिर सिर्फ एथेनॉल ही आप डाल सकोगे। मतलब मिश्रित ईंधन इसमें डाला जाएगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं यार मेरे को प्योर पेट्रोल पे गाड़ी चलानी है, आप पेट्रोल पे चलाओगे। आप चाहोगे कि नहीं यार मेरे को एथेनॉल डलाना है, जो आपको 55 या 60 रुपए में मिलेगा वो डलाना है, तो उससे डलाओगे। मतलब इस इंजन से आपकी गाड़ी पे लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी चलेगी। थर्ड, यह इंजन मिश्रण ईंधन की मात्रा के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। मतलब इसमें जैसे कि अगर आपने यह इंजन बना हुआ है, आपने इसमें मिश्रण ईंधन डाला है, तो यह उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अगर पेट्रोल आया है तो पेट्रोल के हिसाब से एडजस्ट करेगा, अगर एथेनॉल आया है तो एथेनॉल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। सबसे बड़ी इस इंजन की खासियत यह है। फोर्थ, इस इंजन में मिश्रण ईंधन का एक सेंसर का इस्तेमाल होता है। इस इंजन में एक सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है कि इसमें जैसे कि अगर आप इसे पेट्रोल डालोगे तो यह उस जज कर लेगा कि गाड़ी में पेट्रोल आया, तो उस पेट्रोल के हिसाब से उस गाड़ी को एडजस्ट करनी है। अगर आप इसमें एथेनॉल डालोगे इस इंजन में, तो वो उस सेंसर से पकड़ लेगा कि इसमें मिश्रण ईंधन आया है, तो मिश्रण ईंधन के हिसाब से वो गाड़ी चलाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें ही है। फिफ्थ, अभी लेटेस्ट गडकरी जी ने भी यही कहा था बड़ी बड़ी वाहन निर्माताओं को, जैसे कि ये दोपहिया वाहन है, जैसे होंडा कंपनी है, TVS है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और बजाज हैं जो बड़ी बड़ी दोपहिया वाहन बनाती हैं, इनको अभी मीटिंग में गडकरी जी ने लेटेस्ट कहा था कि आप ऐसे इंजन का, ऐसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन का निर्माण करें जिससे 100% अपने आम आदमी को एक ऑप्शन हो, उसके पास एक ऑप्शन हो, मैं पेट्रोल से गाड़ी चलाऊं या इथेनॉल से चलाऊं, उसके पास ऑप्शन हो। यूँ नहीं कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, सिर्फ इथेनॉल से गाड़ी चलानी या पेट्रोल से, उसके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। और बहुत ही जल्दी इसका ऐलान करने वाले हैं 10 या 15 दिन में। अभी बायोफ्यूल, अब आप ये कहते हो यार के गाड़ियों में तो अभी वैसे भी अपन दो तरह के इंजन डला रहे हैं, एक तो CNG हो गई और एक पेट्रोल हो गई, तो इसमें अलग क्या है? सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने की बात यह है कि CNG और पेट्रोल में दो अलग अलग तरह के टैंक होते हैं।
आप एक ही टैंक में पेट्रोल के टैंक में सीएनजी नहीं डाला सकते और सीएनजी के टैंक में पेट्रोल नहीं डाला सकते। गाड़ी एक है और इंजन भी एक है। अब आप यह समझने की वाली बात है, गाड़ी भी एक है इंजन भी एक है, लेकिन टैंक दो अलग अलग है। और फ्लेक्स फ्यूल इंजन में सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें सिर्फ एक ही टैंक होगा, इसमें दो अलग अलग टैंक नहीं होंगे। आप उसी टैंक में पेट्रोल भरा सकोगे, आप उसी टैंक में एथेनॉल वाला तेल भरा सकोगे। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट बात यह है। ये अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर आप बात करो तो ब्राजील में इस चीज का उपयोग हो रहा है। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल इंजन का बहुत ही उपयोग हो रहा है, वहां एथेनॉल सबसे ज्यादा एथेनॉल तेल का यूज किया जाता है। वहां पे आप रेट देख लो तो 55 या 60 रुपए के रेट में ही पेट्रोल मिल रहा है। इसके बाद अमेरिका इतना विकसित देश है, वहां पे भी इस चीज का उपयोग हो रहा है। और थर्ड कनाडा, जो बड़े बड़े विकसित देश है और जो विकासशील स्थिति में है, ब्राजील हो गया, अमेरिका, कनाडा हो गया, वहां पे भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन का निर्माण हो रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में उपयोग हो रहा है। अभी अपन आगे बात करेंगे कि एथेनॉल क्या है और किससे बनता है, एथेनॉल का अपन को क्या फायदा है, इसको अभी अपन आगे देखते हैं। आइए, यह एक तरह का एल्कोहल है, एल्कोहल यह एक तरह का एल्कोहल है जिसे पेट्रोल से पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है और इसको अभी पेट्रोल में मिलाकर अभी चलाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। आपको पता नहीं होगा, अभी जो अपने वर्तमान जो पेट्रोल आ रहा है प्योर पेट्रोल नहीं आ रहा है। हाँ, अलग आप अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल डालोगे तो प्योर आ रहा है, लेकिन अभी जो दूसरा जो पेट्रोल आ रहा है उसमें सरकार ब्लेंडिंग कर रही है पेट्रोल में, उसमें एथेनॉल मिला रही है। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले टाइम में ऐसे फ्लेक्स फ्यूल इंजन उपलब्ध कराए जाए आम आदमी को, जिससे अगर वो चाहे तो सिर्फ एथेनॉल ही यूज करे, पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स ना करे, तो उससे उनको आम आदमी को फायदा होगा। उसकी कीमत होगी 55 से 60 रुपए के बीच में। ये है ये। अब इस एथेनॉल का फायदा क्या है? सबसे फर्स्ट फायदा है यह कम लागत, इसकी लागत कम आती है। अभी जैसे पेट्रोल को तो अपन बाहर विदेशों से खरीदे हैं, बहुत सारी अपनी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है गन्ना, गन्ने से एल्कोहल बनाया जा सकता है। और जो जो दूसरी जो शर्करा वाली चीज़ें हैं उससे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। अपने इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि अपने ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो बहुत सारे स्टॉक भंडार बड़े हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं आ रहा था, उसको उन जो एक्स्ट्रा जो खाद्यान्न है उनको गवर्नमेंट इसमें एथेनॉल में यूज़ करने चाह रही है, उससे पेट्रोल बन जाए और आम आदमी को राहत मिले और जो एक्स्ट्रा जो खाद्यान्न है वो सड़े भी नहीं और इसका काम हो जाए। सेकंड, ये पोल्यूशन फ्री होता है। जितना पोल्यूशन ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ करती है उतना ये एथेनॉल का तेल पोल्यूशन फ्री होता है, इतना ये पोल्यूशन नहीं करता है। दूसरा, चौथा, इससे स्वदेशी है। स्वदेशी होने का कारण है कि अपने भारत में ही इसको बनाया जा सकता है और बनाने के पीछे ऐसे जो मुख्य चीज़ें यूज आएगी, गन्ना से बन सकता है, मक्का से बन सकता है, गेहूँ से बन सकता है, इसमें जो शर्करा वाली चीज़ें हैं उनसे बन सकता है। गन्ना अपने देश में खूब होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मक्का भी खूब है, गेहूं का भी अपने देश में बहुत सारे भंडार है, बहुत सारे, अधिकतर जहां गेहूं सड़ते होते हैं इतना अपने पास देश में भंडार है। ये मतलब अपने देश में अपन इस एथेनॉल तेल को बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, ये कम लागत पर अधिक ऑक्टेन नंबर देता है, मतलब इसकी लागत कम आती है लेकिन इसका जो एवरेज है गाड़ी में और इसका जो अधिक मतलब इसका यूटिलाइज है जो अधिक होता है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है। और यह ऑक्सीजन युक्त फ्यूल है, इसमें 35% ऑक्सीजन होती है। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल और डीजल में आपने देखो कितने कम मात्रा की ऑक्सीजन आती है, इसमें सबसे ज़्यादा 35% ऑक्सीजन आती है, इसीलिए ये पोल्यूशन फ्री, इतना पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करता है। अभी वर्तमान में गवर्नमेंट कितना, आपको पता होगा कि ब्लेंडिंग कर रही है, वो मैं बताता हूँ। अभी वर्तमान में 2014 में गवर्नमेंट 1.5% ब्लेंडिंग कर रही थी, देखिए पेट्रोल में मिक्स कर रही थी। अभी एथेनॉल पेट्रोल में 8.8% अभी मिक्स किया जाता है, जैसे अगर 100% पेट्रोल है तो उसमें 8.8% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। और गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है कि 2025 तक 20% उसमें एथेनॉल मिक्स किया जाए, मतलब 80% पेट्रोल हो प्योर और 20% एथेनॉल हो। तो अब यह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार एक तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने जा रही है मार्केट में, दूसरा एथेनॉल का ऑयल लाने जा रही है, जिसमें आम आदमी को ये ऑप्शन मिलेगा कि मैं प्योर पेट्रोल भराऊं या एथेनॉल का तेल भराऊं, एक 150 रुपये वाला तेल भराऊं, एक 55 या 60 रुपये का तेल भराऊं। बहुत ही जल्दी आपके लिए ये चीज़ मार्केट में आने वाली है और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही जल्दी प्रयास कर रही है। इसी के साथ आज ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।